छठे T20 मुकाबले में सर्वनाख हार के बाद सातवें T20 मुकाबले के लिए बदल गई टीम पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी। अब ये दो घातक खिलाड़ी सातवें T20 मुकाबले में करेंगे पारी का आगाज। जी हां दोस्तों, सातवें T20 मुकाबले के लिए कैसी है पाकिस्तान की नई ओपनिंग जोड़ी, साथ ही कौन से दो धाकड़ खिलाड़ी करेंगे पारी का आगाज, बताएंगे आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन और चाहते हो कि पाकिस्तान की टीम सातवें और आखिरी T20 मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करे, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 7 मैचों की T20 सीरीज अब 3-3 की बराबरी पर है। दरअसल आपको बता दें कि शुरुआती 6 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, 3 में पाकिस्तान जबकि 3 में इंग्लैंड की टीम को जीत मिली है। हाल ही में सीरीज का 6ठा T20 मुकाबला शुक्रवार 30 सितंबर को लाहौर में खेला गया, जहां पर इंग्लैंड की टीम ने एक तरफा अंदाज में पाकिस्तान को हराते हुए 8 विकेट से जीत दर्ज की है। हालांकि आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ अभी तक खेले गए 6 T20 मुकाबलों में पाकिस्तान की सलामी जोड़ी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने में नाकाम रही है। ऐसे में अब 7वें T20 मुकाबले में हमें पाकिस्तान की नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर नजर आ सकती है। आपको बता दें कि मोहम्मद रिजवान 6ठे T20 मुकाबले में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अगर वो 7वें T20 मुकाबले में फिट हो जाते हैं तो फिर वो शान मसूद के साथ हमें पारी का आगाज करते हुए नजर आएंगे। अगर मोहम्मद रिजवान फिट नहीं होते हैं तो ऐसे में हमें बाबर आजम और शान मसूद पारी का आगाज करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि पाकिस्तान फैंस ये मांग कर रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान के साथ आसिफ अली को पारी का आगाज करना चाहिए, ताकि टीम पाकिस्तान को पावर प्ले में एक अच्छी शुरुआत मिल सके। बात करें हैदर अली की, तो हैदर अली हमें 7वें T20 मुकाबले से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैदर अली कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो दोस्तों, आपके मुताबिक पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी क्या होनी चाहिए, आप भी अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।